जो माहौल है यहाँ पे सैटरडे गणपति बप्पा की वजह से, आई थिंक पापा इज ब्लेसिंग अस फर्स्ट ईयर एंड मेनी मेनी मोर इयर्स टू कम। आई मैं बस यही प्रे करूंगा कि पापा हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। और 10 दिन रहते, काफी अनोखे 10 दिन रहते हैं। आज का मूवमेंट काफी इमोशनल हो जाता है, लग ही रहा है। टेल अस समथिंग अबाउट दिस 10 डेज फर्स्ट टाइम एंड टेल अस अबाउट दिस वंडरफुल 10 डेज एनी वन ऑफ यू। यस, आई थिंक यू नो फर्स्टली दिस इज आवर फर्स्ट ईयर, इट्स वेरी वेरी स्पेशल। एंड सर यू नो इट वॉज वेरी नाइस दैट हम लोग आरती में, हम लोग सब एक साथ हम शाम में आरती कर रहे थे पूरी यूनिट, तो बहुत अच्छा लगा। एंड यू नो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। 10 दिन मतलब जो गणपति पप्पा जब आते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है। एंड जो इन्वायरमेंट है, गुड वाइब्स है, एक अलग वो 10 दिन होते हैं। इस बार ये 10 दिन में क्या स्पेशल था आप? फॉर मी स्पेशल बिकॉज मैं घर नहीं जा पाई हूँ अपने पापा के पास, तो पापा मेरे पास आ गए थे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये, और मैं पापा को बाय नहीं बोल सकती। हम आशीष जी बोलिए, प्लीज लेना, बोलिए आशीष, गणपति बप्पा मोरिय। जो माहौल है यहाँ पे सैटरडे गणपति बप्पा की वजह से, आई थिंक पापा इज ब्लेसिंग अस फर्स्ट ईयर एंड मेनी मेनी मोर ईयर्स टू कम। आई मैं बस यही प्रे करूँगा कि पापा हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और हम बहुत सभी सब अच्छे से यू नो प्रोग्रेस करें। एंड बस यही मेरी कामना है दोबारा पापा से। गणपति बप्पा सर, यस, गणपति बापा मोरिया। फॉर मी इट्स वेरी सुरियल, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग एनी विसर्जन। सेट के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तो हमेशा इमोशनल ही रहता हूँ। आई एम एन इमोशनल प्रोड्यूसर, मतलब इमोशनल अत्याचार मत कर लो, इमोशनल एक्टर्स। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है और as Hemant said many more years to come aur bahut sare baat hua hai har saal papa isi tarah aaye aur hamare show ko aur hamari cast ko hamari puri team ko bless karke jaye। and I think kal sabse zyada aana ji hoga, mujhe aadat hai main subah aate hi sabse pehle aarti karne ki, pray karne ki, ki din acha chale, kal subah pata chale। Rajan ji ek aakhri last mein ye bolunga ki jaise hamara hamesha DK pe manna hai ki aap kitni bhi mehnat karo, आप कितने भी टैलेंटेड हो, मेहनत हो, पर जब तक ऊपर वाले की आप पे कृपा ना हो, ब्लेसिंग नहीं हो, और माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और यही हमारा मानना है। और बप्पा जो आते हैं वो 10 दिन हमारी कंपनी में सबको बांध के रखते हैं और जो एक पॉजिटिव माहौल होता है सिखाते हैं कि बस कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और उनका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान करे सब तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट टू बातें कुछ एनडीसी। यस राजन जी, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल था, जिस तरह हम पूरा दिन आज विसर्जन में आपके साथ थे, आपके तीनों शोज की मैं बात करूँ या फिर कोई भी फेस्टिवल की बात करूँ, यू ऑलवेज कॉल द थैंक यू सो मच फॉर दैट। टेल अस समथिंग अबाउट द 3 शोज डूइंग सो वेल, हाउ डू यू लुक अप टू